सिम के रूप। अगर आपको कोरोना होने के बाद, कोरोना रिकवर हो चुका है लेकिन उसके बाद आपकी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है किसी भी चीज से, या फिर आपको कोरोना नहीं भी हुआ बट स्टिल यू हैव हेयर फॉल इश्यूज, कोई भी शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क या कोई भी ऑयल आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपनी हेयर फॉल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसी और हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन के लिए साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो जल्दी से वीडियो शुरू। बात करते हैं हमारी हेयर फॉल की। अगर बहुत ज्यादा आपकी हेयर फॉल हो रही है, जरूरत से ज्यादा हो रही है, गुच्छों के गुच्छे बालों के उतर रहे हैं, कोई भी ऑयल, शैम्पू और मास्क कोई काम नहीं कर रहा इस हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, तो तीन बड़े कारण होते हैं जो आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करने दे रहे। वो होती है हमारी बॉडी की अंदर की कमी। अगर हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हमारी हेयर फॉल अपर चीजें लगाने से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। और वो तीन चीजें होती हैं विटामिन डी, आयरन की कमी और थर्ड होती है स्ट्रेस। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जो है वो आप सबको ही पता है कि द मोस्ट जो कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन डी है दैट इज सनलाइट। सनलाइट में थोड़ा सा एक्सपोजर बहुत जरूरी है पूरे दिन में, जो मॉर्निंग की सूरज की किरणें होते हैं 5 से 7 मिनट उसके और शाम की किरणें 5 से 7 मिनट उसके, तो इतनी सनलाइट हमारी बॉडी को चाहिए होती है और विटामिन डी का मेजर सोर्स ही सनलाइट है, तो वो हमें जरूर लेना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हमारी बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा विटामिन डी का सोर्स होता है सी फूड। कोई भी सी फूड आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर आप सी फूड डाइट नहीं लेते हो तो आप कॉड लीवर ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं तो डेली का वो 1 कैप्सूल अकॉर्डिंग टू योर जो डॉक्टर है उनकी सलाह से आप वो कैप्सूल ले सकते हो, वो भी हमारी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। थर्ड है एग्स, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप एग्स नहीं कंज्यूम करते हो, राजमा हो गए या दालें हो गई, पालक हो गई, एज ए सोर्स इन योर डाइट इंक्लूड कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज, आप इनमें से कोई भी नहीं ले रहे हो, एज ए सप्लीमेंट आप इसको कंज्यूम कर सकते हो अपने डॉक्टर की हेल्प लेकर। आपने डॉक्टर से पूछकर आप जो भी सप्लीमेंट विटामिन डी का डॉक्टर बताएगा तो वो वाला सप्लीमेंट आप कंज्यूम कर सकते हो। हमारी हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी आयरन, यानी कि खून की कमी। अगर हम एनीमिक हैं, हमारी बॉडी में खून की कमी है, हमारी हेयर फॉल होगी ही होगी, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर खून नहीं होगा तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे एंड एनीमिक पर्सन को हेयर फॉल होता है। एनीमिक पर्सन की बॉडी पे कभी, स्किन पे कभी भी ग्लो नहीं आता है। एनीमिक पर्सन हमेशा थका थका रहता है। एनीमिक पर्सन को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। सो अपना आयरन लेवल बॉडी का जरूर आपने चेक करना है। अगर आपको खून की कमी है देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। जरूरी नहीं है कि हम कहते हैं हम तो कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं, हमें तो किसी चीज की चिंता नहीं है, पर हमें पता ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेस ले रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, प्रॉपर खा नहीं रहे हैं, या प्रॉपर हम जो डाइट ले रहे हैं वो डाइट हमारी बॉडी को सफिशियंटली न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही है, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस फील करने लग जाती है। अगर हमारा स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, हमारी बॉडी स्ट्रेस फील करने लग जाती है। अगर हम प्रॉपर टाइम पर नहीं खा रहे हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेस फील करने लग जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी हेयर फॉल को बूस्ट करती हैं अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे। तो विटामिन डी हो गया, आयरन हो गया एंड स्ट्रेस हो गया, इन तीनों पर हमें वर्क करना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज अपनी डाइट में हमेशा इंक्लूड करनी है कि आपने 3-4 दाने बादाम के, 3-4 ही दाने अपने अखरोट के। अगर गर्मियां हैं इनको ओवरनाइट सोक कर लो पानी में और सुबह कंज्यूम कर लो। अगर सर्दियां हैं तो एज इट इज ही खा लो। अगर आप बादाम और अखरोट अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे डेली बेसिस पर, रूटीन बेसिस पर, आपकी बालों की और स्किन की हेल्थ जो है हमेशा इंप्रूव्ड रहेगी। आपके बाल ब्रिटल नहीं होंगे, आपके बाल वीक नहीं होंगे और आपकी स्किन भी शाइन करेगी। तो ये चीज हमेशा इंक्लूड करना अपनी डाइट में। एंड लास्ट वन इज, ये बहुत ही स्पेशल वाला है। ये स्पेशल वाला इसलिए है क्योंकि इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं। आप करोगे ना आपको खुद को दिख जाएंगे। तो इसमें आपने इंक्लूड करना है देसी घी। यस, देसी घी घर में हम निकालते हैं। अगर हम नहीं निकालते हैं तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हो। देसी घी हमारी बॉडी के लिए वरदान है। बहुत लोग कहेंगे कि देसी घी से जी मोटापा आता है।
हाँ, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो देसी घी होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, मतलब अगर आप एडल्ट हो तो एडल्ट को डेली के 2 चम्मच देसी घी जो है कभी भी हार्म नहीं करते हैं, क्योंकि ये गुड फैट है। 2 चम्मच डेली के कभी भी बॉडी को फिट नहीं करते, तो मैं 2 तो नहीं कहूंगी, लेकिन 1 चम्मच प्लीज आप अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर कीजिए। चाहे तो आप इसको दूध में डालकर पी सकते हो, चाहे आप अपनी दाल के ऊपर डालकर इसको खा सकते हो, अपनी परौंठी के ऊपर लगाकर खा सकते हो, या फिर एज इट इज ही खा सकते हो। ये इससे आपके बालों की हेल्थ तो इंप्रूव होगी ही होगी, बिकॉज इट इज द मैजिक फॉर योर हेयर। आपके बालों की फॉलिसाइल्स की ग्रोथ को ये बूस्ट करता है, जिससे आपके बाल जो है बहुत इजीली अच्छी तरह से ग्रो होने लग जाते हैं। एंड सेकेंडली, आपकी स्किन पर इतनी ज्यादा शाइन आएगी, आपको रिंकल्स नहीं आएंगे बहुत जल्दी। तो ये स्किन और बालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और इसको आपने जब भी सिर धोना है, सिर धोने से 1 रात पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है, इसको ल्यूक वार्म कर लेना है, और अपने स्कैल्प पे हल्का हल्का अपने स्कैल्प पे इस तरह से मसाज करनी है। जब भी आपने सिर धोना है, सिर धोने से ओवरनाइट इसको आपने लगाना है। ये आपके बालों, ये आपके स्कैल्प के लिए ट्रीटमेंट है, जो आपके बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। और आप इसको रेगुलर करोगे, आपको खुद को ही रिजल्ट्स दिख जाएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट हेयर फॉल कंट्रोल टिप्स। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। ऐसी ऑल वीडियोज के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय, लव यू ऑल।